और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डिंडौरी के ग्रामीणों ने कोरोना वायरस के रोकथाम व बचाव के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिंडौरी में ग्रामीणों के बीच विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में जिला सदस्य प्रतिनिधि राकेश केशरवानी एवं नव निर्वाचित सरपंच संजीव शर्मा के द्वारा ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी दिया गया। जैसे उबला हुआ पानी पिए, मुंह में मास्क लगाएं, हाथ को डेटॉल से बार बार धोते रहें और कोरोना वायरस का थोड़ा भी शक है तो स्वास्थ्य विभाग में जाकर चेक करवाएं। साथ ही साथ साफ सफाई, मांस मच्छी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। इन सभी महत्वपूर्ण एहतियात बरतने पर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और अपने परिवार को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे राज्य से आए हुए कामगार मजदूरों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने को कहा गया है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगह से बचें। महामारी रूपी कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयोजित इस विशेष बैठक में जिला सदस्य प्रतिनिधि संजय केशरवानी के साथ ग्राम पंचायत डिंडौरी के नव निर्वाचित सरपंच संजीव शर्मा, पूर्व जनपद सदस्य राजकुमार ठाकुर, वीरेंद्र जायसवाल, मदन सेन, जितेंद्र केशरवानी, पद्मा एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। या खा कमाए लगे होई, आते समय कोई भी सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस के जांच करा के घर में आने हो। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रामशाजर। या खा कमाए लगे होई, आते समय कोई भी सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस के जांच करा के घर में आने।